लगातार खेती कर रहे हैं राज्य सरकारों की बात लोगों ने नोटिस दिया होगा कि अपेक्षाकृत जो पत्र लांघन अल्टरनेटिव या पत्र लांघन था वो अपेक्षाकृत पिछले कई सालों में उस नतीजे से नहीं बल्कि आ रहा है जैसे पहले आता था। लेकिन इसके रूप में दुनिया का नाम ही नाम की बीमारी बहुत ज्यादा आ रही है जो कुहासा पड़ने के समय आपने देखा होगा फूलों पर और फलियों पर रूई के गाने जैसा आपको दिखने का पाटन के जैसे रूई के जैसे एक है और वो सूखकर जहाँ गिरेगा या तने पर वो सफेद पहले रंग नहीं होगा फिर सफेद हो जाएगा फिर वहाँ से सूख के गिरेगा और अंदर अगर आप देखते हैं कि पाल गोली लगा हुआ है काले रंग की गोली पीछे से रुशिया कहते हैं वो गिरती थी। तो ये बहुत ही खतरनाक समूह है और इसके लिए आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात आप लगभग दो से तीन वर्ष का फसल चक्र जरूर बनाएं जिसमें एक खेत में अगर आप राई सरसों की खेती करते हैं तो बार बार उसी खेत में न करें। यहाँ तक कि मूली जो उगने से ही फसल है उन फसलों से आप बचें उसकी अन्य फसलों को भी आप नहीं लगाएं। कारण क्या है कि जमती है मिट्टी में और अगर उसका जो काले रंग की गोली रुशिया को जमीन में गिर के दब गई और उसको 6 साल 7 साल तक अगर अनुकूल मौसम नहीं मिला तो वो वैसे ही रखी रहेगी और 7वें साल अगर मौसम अनुकूल मिला तो वो तुरंत जर्मिनेट करेगी फिर इसको स्कोर बनाएगी और तने से लेकर ऊंचाई तक पौधों को प्रभावित करेगी और जिस पौधे में एक बार लग गई वो तना खोखला हो जाएगा और उपज में कुछ पौधों में आपको कुछ भी पैदावार नहीं मिलेगी। अगर नीचे से लगी है ऊपर होगी तो आपको कुछ पैदावार मिलेगी कुछ दाने मरेंगे और नुकसान होगा। तो उसका पहला बिंदु आप ध्यान में रखें जो आप हर खेती के समय आपके लिए सबसे पहला प्रमुखतम बिंदु है बीज का उपचार। आप बीज के उपचार के लिए क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप कार्बेंडा बीज जो बेंजीन के नाम से भी आपको मिलता है कार्बेंडा बीज की 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके लगाएं। अगर बाद की अवस्था में जो मैंने आपको बताया है कि थली पर अगर रुई जैसे